3D में कन्वर्ट किया या फिर शूट? क्या फर्क है नॉर्मल और 3D कैमरा में? किस तरह से 3D फिल्म शूट की जाती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रांत स्टूडियोस। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि विक्रांत रोना एक 3D मूवी होने वाली है, सो फैंस को ये डाउट था कि 3D मूवी कैसे, क्या मूवी को 3D बनाया है? तो रुको, जरा सबर करो, हम बताएंगे सब कुछ। सो गाइस, मूवी को कन्वर्ट नहीं बल्कि शूट ही 3D में किया गया है। अनूप भंडारी अपने फैंस को एक बिल्कुल नया और अनोखा एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने मूवी को ही 3D में शूट किया है। अब 3D में जाहिर है कि नॉर्मल कैमरा से तो शूट नहीं किया गया होगा, सो जी हाँ, इस मूवी को शूट भी 3D कैमराज द्वारा किया गया है। अगर दोनों कैमराज की फर्क की बात करें तो चलिए अनूप भंडारी की ही दोनों मूवीज का एग्जांपल ले लेते हैं, 3D के लिए विक्रांत रोना एंड नॉर्मल मूवी के लिए राजरथ। अब वैसे तो दोनों ही मूवी को हम नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन विक्रांत रोना को अगर 3D ग्लासेस से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे हम मूवी के कैरेक्टर्स के साथ ही हैं और मूवी के अंदर ही मौजूद हैं। वहीं राजरथ मूवी को चाहे नॉर्मली देखो या फिर ग्लासेस के साथ, आपको सेम ही नजर आएंगे। और ये सब कमाल करता है वो 3D कैमरास, जो कि मूवी की शूटिंग ही 3D डायमेंशनली करते हैं, जिस वजह से मूवी के फ्रेम्स में डेप्थ आ जाती है। दोस्तों, 3D शूटिंग के लिए कुछ खास प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, जो एज डायरेक्टर अनूप भंडारी ने बखूबी लिए हैं। फिर चाहे हो लाइटिंग सेटअप हो या फिर मूवी के फ्रेम्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया गया है। डायरेक्टर और मेकर्स की तरफ से इस मूवी को एक कंप्लीट पावर पैक 3D धमाका बनाया गया है। अब बस इस मूवी का ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस का इंतजार है। दोस्तों, क्या आपने कोई 3D मूवी देखी है? अगर हाँ तो कौन सी, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें, और जाते जाते करें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।